हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को जो है ना, पूर्णिया साहिबगंज का जो नेशनल हाईवे है, दलन से लेके मनिया तुलसी कॉलेज तक देने वाला हूँ अपडेट कि कितना काम हुआ नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हैं, ये दलन पास जो ब्रिज है ना, ब्रिज के पास ढलाई का काम बचा हुआ था, वो जो है ना पूरा का पूरा यहाँ और भी चल रहा है। ढलाई का काम देख सकते हैं, काम होते हुए दिख जाएगा। साथ ही इस ब्रिज के पास जो है ना, ढलाई का काम कर लिया गया। बहुत जल्द इस ब्रिज को भी शुरू कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं आप लोग को, ये ब्रिज जो है दलन जो स्टेशन है उसी के जस्ट बगल में नजर आ जाएगा आप लोग को। और यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रिज पे ही मैं ऊपर से अभी क्रॉस कर रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं, ऐसे अभी गाड़ी का आवागमन चालू नहीं हुआ, पैदल आना जाना कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से जो है ना, दूसरी तरफ भी ढलाई कर लिया गया। बहुत जल्द इस ब्रिज का शुरुआत कर लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से नजर आ रहा होगा इस ब्रिज का नज़ारा, ये देखिए। और आगे जो है ना, काम होते हुए दिख जाएगा। तो चलेंगे अभी फिलहाल, मैं बात करूँ तो अभी चलेंगे मनिया तुलसी कॉलेज तक। जो सड़क का काम है उसको भी दिखाएंगे कि कितना काम हुआ नहीं हुआ। खासतौर पे इस ब्रिज से मैं गुजर रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। ये देख सकते हैं, आगे ढलाई का काम जो बचा हुआ था वो किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं, मैं इस ब्रिज के ऊपर हूँ और ब्रिज के ऊपर कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग, नजारा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। और आगे चलेंगे, आगे सड़क का भी अपडेट देंगे कितना काम आने वाला। बहुत जल्द इस ब्रिज का शुरुआत हो जाएगा। तो एक सेल्फी पॉइंट अलग से कह सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, बस इतना ही दूर ढलाई का काम बचा हुआ, इसे पूरा का पूरा यहाँ देख सकते हैं, पूरा का पूरा ढलाई का काम इस पे जो है ब्रिज के ऊपर से कर लिया गया। बहुत जल्द इस ब्रिज का शुरुआत कर लिया जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि जो मैं बात करूँ तो पूर्णिया और नारायणपुर तक जो पहला प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट जैसे मैं बताऊँ, नारायणपुर से लेकर साहेबगंज तक है, इसको भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अभी दलन जो है ना, फ्लाईओवर जो वहाँ से चल रही है, और आगे दिखाएंगे कि सड़क का काम किस तरह से हुआ है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ इस तरह से, ये सब लाइट जो है ना इधर नहीं लगा हुआ था, ये सब भी लग के तैयार। आगे जो बोर्ड होता है ना जिसमें लिखा हुआ रहता है कौन सा जगह कितना किलोमीटर है, वो सब भी लग के तैयार है। तो आगे दिखाएंगे पूरा का पूरा कितना काम हुआ नहीं हुआ। जैसे कि मैं बताऊँ आप लोग को, कोशिश करूंगा कि आप लोग को मनिया जो कि तुलसी कॉलेज है वहाँ तक अपडेट दूँ कि कितना काम हुआ। काम तो बहुत हद तक कर लिया गया। जैसे अगर बात करें तो देख सकते हैं, ये सब जो है ना बोर्ड, ये सब भी लग के तैयार है। इससे पहले ये सब लग के तैयार नहीं था, ये सब भी लगा दिया गया। अब देखने में जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि मैं बताऊँ, ये नेशनल हाईवे कम और एक्सप्रेसवे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बनाया गया, डिजाइन दिया गया, काम किया जा रहा है, जिस तरह से काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा होगा आप लोग को नज़ारा इधर का। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ काम होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि काम अभी फिलहाल थोड़ा बहुत जो है ना बचा हुआ लास्ट। ये सब वायरिंग किया जा रहा है, ये सब लाइटिंग के लिए, ये सब काम होते हुए दिख जाएगा। साथ में थोड़ा बहुत जो किचन का काम है, ये सब काम होते हुए दिख जाएगा आप लोग। इसी तरह से इधर नजर आने वाला, अगर इधर आप लोग आते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप दलन से पूर्णिया भी जा सकते हैं इस रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते से जो नज़ारा है ना काफी सुंदर होने वाला, देख सकते हैं नज़ारा। नेशनल हाईवे जो कि देखने में काफी सुंदर आप लोग को लग रहा होगा, ये देख सकते हैं। ये सब लाइटें जो है ना नहीं लगाई गई थी उस समय, अब जो है ये सब लाइट का भी काम कर लिया गया। और मैं बताऊं, सर्विस लाइन का काम बचा हुआ था उसको भी पूरा कर लिया गया है। इधर का लुक जो है ना काफ़ी शानदार देखने में अब लग रहा है। अब धीरे धीरे जो है, मैं बात करूं तो पूर्णिया से जो नारायणपुर तक पहला प्रोजेक्ट है उसको बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके नीचे जो है एक जो स्टेट हाईवे है उसी के ऊपर यह ब्रिज बनाया गया। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लाइटिंग का काम, ये साथ में ये सब बोर्ड, ये सब उस समय नहीं लगा हुआ था, ये सब देख रहे हैं ना बोर्ड, ये सब लग के तैयार है। अब धीरे धीरे काम हो रहा है। तो कह सकते हैं कि 2024 में पहला प्रोजेक्ट जो है ना पूर्णिया सनन को, इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। आगे जैसे कि मैं बात करूँ, जो एक नया टोला है उससे पहले भी ब्रिज है, जैसे कि मैं बताया आप लोग को, इसे पहले भी कई बार अपडेट दे चुका हूँ कि इस रास्ते में जो है ना पूर्णिया से नारायणपुर वाले रास्ते में लगभग 5-6 ब्रिज है। तो कह सकते हैं कि 3-4 ब्रिज पे पूरा काम कर लिया गया, 1-2 ब्रिज है जिसपे कुछ काम बचा हुआ वो भी काम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं काफी सुंदर आप लोग, ये नेशनल हाईवे लग रहा होगा, एक अलग कह सकते हैं कि एक अलग लेवल का नेशनल हाईवे है जो देख रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मनियारी साहेबगंज,
इस तरह से बोर्ड जो है ना लगा हुआ दिख जाएगा। ये सब बोर्ड जो पहले नहीं लगा हुआ था लेकिन अब लग के तैयार है, ये देख सकते हैं। आगे ये सब काम अभी फिलहाल ये जो है ना पेंटिंग का काम जो होता है ना बीच बीच में जो किया जाता है ये सब किया जा रहा है, देख सकते हैं इस तरह से। ये सब जो काम है ना ये सब पेंटिंग का ये सब काम किया जा रहा है अभी, बीचों बीच जो साइड का काम हो ये सब अभी फिलहाल किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इधर का जो है ना पूरा का पूरा लुक कुछ दिनों के बाद पूरा चेंज आप लोग को दिखाई देगा। इस रास्ते से आप लोग मैं बात करूँ तो मनिया की ओर मनिहारी की ओर नारायणपुर तक जा सकते हो। नारायणपुर से आगे जैसे जैसे काम होगा उसके साथ जुड़ेंगे, तो इसलिए चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें।